बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम टू डियर स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनर की जानिब से मैं फर्स्ट ईयर आपको ऑटो कैड सिविल 3D में शामिल कहता हूँ। आज जो हमारा चैप्टर है वो है ग्रेडिंग इन सिविल 3D। ग्रेडिंग मीन एक्सकावेशन वर्क। एक्सकावेशन का कोई भी काम है, चाहे वो सेप्टिक टैंक का हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक का हो, किसी प्लाट की एक्सकावेशन करनी हो या किसी पॉन्ड्स की एक्सकावेशन करनी हो, तो ये सारा काम हमारा ग्रेडिंग टूल की मदद से होता है सिविल 3D के अंदर। इसी मदद से हम इसकी क्वांटिटी वगैरह फाइंड करते हैं, अर्थवर्क की क्वांटिटी कितनी है, कट फिल जो भी है। उसके बाद सबसे पहले हमारा जो आज का लेसन होगा वो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेडिंग टूल्स एंड इट्स यूज। सबसे पहले हमने ग्रेडिंग का जो टूल इसमें दिया गया है, सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि ग्रेडिंग में क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। जब इन पर हमारी ग्रिप होगी तो हमारे लिए आगे किसी भी किस्म का ग्रेडिंग का काम है वो हमारे लिए आसान होगा। ये चैप्टर हम कवर करने के बाद हमने जो आगे काम करना है उसमें हमारा ग्रेडिंग पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, सेप्टिक टैंक और राफ्ट फुटिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेडिंग फॉर वाटर पोन्ड। उसके बाद स्विमिंग पूल की हमने क्वान्टी फाइंड करनी है। फिर हमारे पास अर्थवर्क पर स्टॉक पाइल और ये हमारे पास पार्किंग टाउन एंड एग्जिबिट एलिवेशन प्लान। तो सबसे पहले हमने इनके जो बेसिक टूल्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं, इसका एक ओवरव्यू दिया गया है, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है कि सबसे पहले इसकी फीचर लर्न क्या होती है, इस पर एलिवेशन किस तरह पुट किए जाते हैं, उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट किस तरह की जाती है। ग्रेडिंग के हवाले से हमारे पास चार किस्म के क्राइटेरिया यूज हुए हैं, तो ये भी हमने इंशाल्लाह स्टेप बाई स्टेप डिस्कस करने कि इनका क्या क्या फंक्शन है, डिफरेंट इसमें क्या फर्क है। उसके बाद हमने ये क्राइटेरिया अप्लाई करने के बाद हमने इसके साथ ग्रेडिंग करनी है। तो डिफरेंट टाइप की ग्रेडिंग होगी जिसमें हमारा स्लोप्स में कटिंग होगी, उसके बाद स्टेप्स में कटिंग होगी, उसके बाद स्ट्रेट कटिंग होगी। उसके बाद यहाँ पर देखें हमने इसमें भी कुछ लेवल एडजस्ट करने हैं, फिर किस तरह किए जाते हैं। उसके बाद ग्रेडिंग से पहले हमें इसकी ग्रेडिंग ग्रुप क्रिएट करना है, वो किस तरह किया जाता है। उसके बाद फाइनल हमने जब ग्रेडिंग करने के बाद इसकी क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो वो भी हमने इन टूल की मदद से करनी है। तो इंशाल्लाह ये जब हमारी ग्रिप इन सारे टूल्स पर होगी तो हमारे लिए ग्रेडिंग का किसी किस्म का काम मुश्किल नहीं होगा। तो मेरी कोशिश थी कि सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक टूल्स बता दूँ जो जो हम इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह इस चैप्टर के बाद हमारे पास जो काम है उसमें हमारे पास यहाँ पर देखें जरा प्लान में हमारे पास उसके सेक्शन बनेंगे, उसके बाद इसके कुछ कटिंग फिलिंग बालिंग किस तरह एडजस्ट करना है, उसके बाद इसके ऊपर जो लेवल एडजस्ट करने हैं, तो ये सारे इंशाल्लाह हमने ये ग्रेडिंग टूल की मदद से करना है। जब तक हमें ग्रेडिंग टूल पर ग्रिप नहीं होगी हमें ये चीज़ नहीं आ सकती। उसके बाद यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ स्लोप्स की कटिंग है, प्लान इस तरह नजर आ रहा है, जबकि सेक्शन में हमारे पास देखें जरा लेवल उसकी किस तरह स्लोप्स में कटिंग हुई है, जैसे उसकी कट फील वगैरह फाइंड करनी है। ये सारा हमने ग्रेडिंग टूल की मदद से करना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल नेचुरली जो हमारे पास स्टेप्स की शक्ल में होता है, तो ये भी हमने इंशाल्लाह इसी में कवर करना है। उसके बाद हमारा स्टॉक पाइल और ये दूसरा पार्किंग एंड एग्जिबिट प्लान, ये भी इंशाल्लाह हमारा अर्थवर्क में ही कंसिडर होता है। ये थोड़ा डिफरेंट मैथड है लेकिन ये है ग्रेडिंग का सारा काम। तो मेरी कोशिश थी कि इस चैप्टर में मैं सारी चीज़ें ग्रेडिंग के रिलेटेड कवर करूं, लेकिन सबसे पहले हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ग्रेडिंग टूल के बारे में। तो इंशाल्लाह आज हम ग्रेडिंग टूल के बारे में कंप्लीट लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हमने सारी चीज़ों को कवर करना है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन यूज़ होंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी इंतहाई मुफीद होगा। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। स्क्रीन पर आपको एक सरफेस नज़र आ रही होगी, सबसे पहले हमने इसकी सरफेस की सेटिंग करनी है। सेटिंग से मुराद हमने इसके जो सेंटर की कुछ लाइंस हैं जो हमारे पास मेजर एंड माइनर कंटोर्स हैं, हम इसको ऑफ कर देंगे और जस्ट हमारे पास की बॉर्डर लाइन है वो इसको रहने देंगे। इसके लिए यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, एडिट सरफेस स्टाइल में गए। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले में आके हम इसको मेजर और माइनर कंटोर यहाँ से ऑफ कर देंगे, अप्लाई किया, दिनों के किया। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो इसकी कंटोर लाइन है वो हाइड हो गई है, यानी इट्स मीन ये इसमें मौजूद है लेकिन इसमें जस्ट शो नहीं हो रही। अब हमने इस पर अपने ग्रेडिंग टूल अप्लाई करने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगा लेंगे। तो इसके लिए आप आर ई सी कर दें, यहाँ पर हम रेक्टेंगल आर ई सी करके यहाँ पर क्लिक किया और इसको डी इंटर किया। इसके बाद हम इसको 200 बाई 100 दे देंगे, तो हमारे पास ये रेक्टेंगल ड्रा हो गई। आप इसको पूरी लाइन से भी बना सकते हैं, इसके लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक किया और इसको 200 इस तरह दे दें, उसके बाद 100 हाइट में, उसके बाद दोबारा 200 और सी से क्लोज कर दें, तो ये भी हमारे पास तरह भी बन सकती है। हम इसको डिलीट कर देंगे, इसको हम
सेंटर में ले आएंगे। उसके बाद हमने सबसे पहले इस लाइन को फीचर लाइन में कन्वर्ट करना है। फीचर लाइन में कन्वर्ट करने का मेन फायदा क्या होता है कि ये स्पेसिफिक लेवल में हो जाएगी। बगैर फीचर लाइन के हमारे पास जो भी लाइन इस तरह होती है, ये जस्ट हमारे पास सिंपल लाइन है, जस्ट ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, इस वजह से ये सिंपल लाइन से पॉली लाइन में कन्वर्ट है। तो ये फीचर लाइन में और पॉली लाइन में ये फर्क होता है कि फीचर लाइन एक स्पेसिफिक लेवल पे होती है, जबकि पॉली लाइन बगैर लेवल की होती है, इसकी कोई इस मामले में पहचान नहीं होती। तो सबसे पहले इसको हम अपने फीचर लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका क्या मेथड है, फीचर लाइन पे गए, पार्सल के नीचे हमारे पास ऑप्शन है फीचर लाइन, यहाँ पे क्लिक किया, और उसके बाद सेकंड इसका ऑप्शन है क्रिएट फीचर लाइन फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लिक किया, तो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है सिलेक्ट लाइन और पॉली लाइन, हमारे पास ये लाइन है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, तो हमारे पास इसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया साइड। हम सबसे पहले क्रिएट फीचर लाइन साइड की जगह हम इसको सबसे नई साइड दे देंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट न्यू करेंगे, और यहाँ पर हम इसको प्लॉट करेंगे, कोई नया नेम दे देंगे डिफरेंट, ताकि हमें बच्चे हमें खुद बना रहे हैं एक नई इसकी सेटिंग करने। तो नेक्स्ट हमारे पास नेम ठीक है ऑलरेडी, ओके नो प्रॉब्लम। स्टाइल में जाके हम इसको बेसिक फीचर लाइन के बजाय हम इसको बेसिक कर देंगे। इसके बाद अरे एग्जिस्टिंग एंटिटी यहाँ पे आ जाए, असाइन एलिवेशन, यानी हम इसका असाइन भी एलिवेशन भी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, इसको ओके किया, जो हमने ओके किया असाइन एलिवेशन का यहाँ पर ऑप्शन आ गया, एलिवेशन यहाँ पर 0 0 अभी। उसके बाद फ्रॉम डिस्टेंस हमें सबसे पहले एलिवेशन पे जाके हम इसका यहाँ से एलिवेशन कुछ दे देंगे, लेकिन हमें एलिवेशन देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये लोकेशन कौन सी है। जो हमारे पास सरफेस है जहाँ पर हम इसकी एक्सकवेशन करने वाले हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए इस एलिवेशन का, इस सरफेस का एवरेज एलिवेशन क्या है, ताकि हम उसके मुताबिक इसकी जो है ना डिज़ाइन करें। तो सबसे पहले हम इसकी एलिवेशन सेट करेंगे, तो इसके लिए इसको हम इसी तरह रहने देंगे 0। इसके बाद फ्राम सर्फेस पर आ जाएंगे और सर्फेस फ्राम कंट्रोल ओके यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये जो एलिवेशन हम एक और मैथड से इसमें पुट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इसकी सर्फेस की एलिवेशन पता होनी चाहिए, हम इसको ओके करेंगे, अभी हम इसको 0 रहने देंगे, ओके किया, तो देखें इसका कलर चेंज हो गया, इट्स मीन ये हमारे पास फीचर लाइन में कन्वर्ट हो गई है। तो सबसे पहले हम इसका जो हमारे पास सरफेस है, इसका लेबल, इसका एलिवेशन जो इसके राउंड अबाउट है, इसके साइड पर हम ये फाइंड करेंगे इस साइड पर क्या लेबल आ रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक किया, ऊपर आ जाए एड लेबल पे, लेबल पे आके हमारे पास थर्ड ऑप्शन है स्पॉट एलिवेशन, ओके स्पॉट एलिवेशन पे जाके क्लिक किया, तो हम इसके यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या एलिवेशन आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एलिवेशन इस जगह पर चेक करेंगे, उसके बाद इस जगह पर, इस जगह पे और सेंटर पे, तो ये हमारे पास जो एवरेज एलिवेशन आ रहे हैं 66.25 67 66 66 66, इट्स मीन हमारे पास जो एवरेज एलिवेशन है वो 66 है। तो ये हमें पता चले जिस एरिया में हम अपने पॉन्ड की एक्सकवेशन, प्लाट की एक्सकवेशन करने वाले हैं, उसका जो एवरेज एलिवेशन है, एवरेज लेवल है, वो है 66 है। तो अब हम सही तरीके से इसका एलिवेशन दे सकते हैं कि हमें इससे कितना डाउन होना है, कितना नीचे जाना है, कितना नीचे जाके इसकी एलिवेशन करनी है। तो नॉर्मली हमारे पास जो पॉन्ड्स की एक्सकवेशन होती है 2 से 3 मीटर होती है। अगर हमारे पास मल्टी स्टोरी को बिल्डिंग है, तो इसके लिए हम बास का 2 से 3 4 मीटर तक करते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोल पर। अगर आपकी बेयरिंग कैपेसिटी ठीक है तो आप हमें एक्सकवेशन कम करनी पड़ेगी, अगर नॉर्मल है तो हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, बास का हमें राफ्ट फाउंडेशन बनानी पड़ती है। अगर तो आइसोलेटेड फुटिंग है तो उसके लिए आपकी 2 से 3 मीटर इनाफ है, 1 2 मीटर। लेकिन अगर आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो उसके लिए बेहतर है आप इसकी राफ्ट फाउंडेशन में रहें, तो हमारे इसके लिए तकरीबन 2 से 3 मीटर डाउन होने चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे जा क्लिक करेंगे, एक और मेथड से हम जो हमारे पास प्लाट की फीचर लाइन से हम इसको एलिवेशन देंगे, इसके लिए यहाँ पे क्लिक किया, जी हमने क्लिक किया, यहाँ पर ऊपर देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गए एलिवेशन एडिटर, यहाँ पे जाके हम इसको क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एक ऑप्शन ओपन हो गया है यहाँ पे, यहाँ पे इसमें इसकी वीड्स ऑन थी, इस वजह से ये मसला आ रहा है, अदरवाइज ऐसे इशू कोई नहीं है। दोबारा इसको ऑफ कर देंगे। इसका एलिवेशन देने के लिए एक और मेथड यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल ऑल किया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, दोबारा इस पर जाके हम सिंबल क्लिक करेंगे, जो एलिवेशन हम यहाँ पर देना चाहते हैं
सपोज करें हम इसको देना चाहते हैं 62.1 ओके मीटर किया, तो देखिए सारे 62.1 हो गए। दूसरा मेथड है इसका, इधर से जाके अगर हम इसको क्लिक करें प्रेस करें तो ये देखें एक एक मीटर ऊपर जा रहा है, एक एक मीटर ऊपर जा रहा है। अगर नीचे इस पर क्लिक करें नीचे वाले एरो पे तो देखें एक एक मीटर नीचे आ रहा है। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक कुछ वैल्यू लिखी हुई है 1 मीटर, हम इसको अगर 2 मीटर करें तो फिर देखें हमारे पास 2-2 मीटर ऊपर जाएंगे और नीचे करेंगे 2-2 मीटर नीचे आएंगे। हम इसको नॉर्मल ले लेंगे, हम इसको 1 मीटर रखेंगे, अब हम इसको नीचे करेंगे थोड़ा सा। एक मेथड होता है कि आप इसको 1 by 1 एक एक वैल्यू इंटर करें, 62.1 62.2 62.3 कुछ भी, लेकिन एक मेथड है कि आप इसको क्लिक करें कंट्रोल ए से सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब जस्ट एक क्लिक करें जाके जो वैल्यू भी आप देना चाहिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको 61.5 दे दूंगा, इंटर किया तो देखिए ऑटोमेटिक सारे इसके एलिवेशन एडजस्ट हो गए। तो ये मेथड होता है एलिवेशन ऐड करने का, ये बेहतर मेथड है बनिस्पत दूसरे से। तो आप सबसे पहले इसको फीचर लाइन में कन्वर्ट करें, उसके बाद यहाँ से आके आप इसको एलिवेशन दे सकते हैं। तो अब हमें इसके मजीद कुछ टूल चेक करने हैं। फीचर के बाद हमारे पास ग्रेडिंग है, जो हमारा बेसिक टूल्स हैं। यहाँ पे जाके क्लिक किया तो हमारे पास 3 किस्म के टूल्स हैं, ग्रेडिंग क्रिएशन टूल्स, क्रिएट ग्रेडिंग इनफिल, और क्रिएट ग्रेडिंग ग्रुप। ये क्या चीज़ें हैं वन बाय वन हम सारों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस पे जाएंगे ग्रेडिंग क्रिएशन टूल में, यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो गया जिसमें हमारे सारे टूल्स पड़े हुए हैं जो हमारे काम के। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास टूल है, इस पे जाके आप कर्सर रखें तो सेट द ग्रेडिंग ग्रुप। किसी भी प्लॉट की ग्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें इसे ग्रुप बनाना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास सेट द टारगेट सरफेस, जिस सरफेस पे हमने अपनी एक्सकवेशन करनी है वो सरफेस भी हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है। सपोज करें हमारे पास ये एनजीएल की सर्विस, तो यहाँ पर हमें वो सर्विस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास लेयर्स हैं, उसके बाद हमारे पास इधर हैं ग्रेडिंग के ग्रुप्स, ग्रेड टू टेंजेंट, ग्रेड टू एलिवेशन, ग्रेड टू रेलिवेंट एलिवेशन, उसके बाद ग्रेड टू सरफेस। ये हमारे पास 4 क्राइटेरिया है, ये डिफरेंट क्राइटेरिया जो हमने 1 by 1 यूज़ करके अपना एक्सकवेशन का काम करना है। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे किसी स्पेसिफिक को, सपोज करें हमें इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जब हम इस पे ग्रेडिंग पे जाएंगे तो हम इधर से ग्रेडिंग करेंगे तो ये इसका जो हमारे पास फार्मूला यहाँ पर ऐड है, जो क्राइटेरिया ऐड है ये यहाँ पर यूज होगा। उसके बाद इनफिल का ऑप्शन क्या होता है कि जब हम हमारे पास ये सेलेक्ट हो जाए तो हम इसके सेंटर से अगर इसको फिल करना चाहें तो हम जस्ट को क्रिएट इनफिल करेंगे, फिर जब हम ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एडिट ग्रेडिंग, ग्रेडिंग में कुछ एडिट करना हो तो ये हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ग्रेडिंग वॉल्यूम टूल्स, जब हम फाइनल इसका वॉल्यूम चेक करेंगे तो ये इस मेथड से करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये सेम मेथड है कि एलिवेशन किस तरह ऐड किया जाता है, ये हमारे पास एलिवेशन वाला है ग्रेडिंग, ग्रेडिंग एडिटर और ग्रेडिंग एलिवेशन, यहाँ पर हमारे पास एलिवेशन एडिटर ओके। तो ये सारे टूल हमारे इंशाल्लाह इसमें यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम पहले टूल पर आ जाएंगे, यहाँ पर जाके क्लिक किया तो हमारे पास देखिए हमारे जो हमने प्लॉट सेट किया था वही ऑप्शन हमारे पास आ गया है। एक हमारे पास साइट इसका अपना एग्जिस्ट है डिफॉल्ट में, हमने प्लॉट सेट किया था हम इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है ग्रेडिंग ग्रुप। सबसे पहले हमने ग्रेडिंग ग्रुप बनाना है तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रेडिंग फॉर प्लॉट। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, हम इसके प्लॉट की ग्रेडिंग करना चाहते हैं इसके लिए हम ग्रेडिंग पर प्लॉट करेंगे ताकि हमें एक स्पेसिफिक पहचान हो जाए कि हमने ये काम कर रहे हैं। सपोज करें एक सर्विस पे आप डिफरेंट काम कर रहे हैं तो आपको बाज का कन्फ्यूजन हो जाती है कि आप कौन सा काम किसी और यहाँ पर किसी और किस्म की एक्सकवेशन है, सपोज करें सेप्टिक टैंक है वाटर टैंक है। तो इस वजह से हम अगर इसको लिख दें ग्रेडिंग पर प्लॉट तो आपको पता चल जाएगा ये प्लॉट्स का एरिया है, प्लॉट्स के ऊपर ये काम हो रहा है। सेलेक्ट किया, डिस्क्रिप्शन में अगर आप इसके रिलेटेड कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ऑटोमेटिक सर्विस क्रिएशन आप क्लिक कर दें, ठीक है ओके। वॉल्यूम बेस सरफेस यहाँ पे क्लिक करें और हमारे पास एक ये भी सरफेस फ्रॉम कंटोर है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारे पास क्रिएट सर्विस का कुछ ऑप्शन आ गए, इंफॉर्मेशन हमारे पास ग्रेडिंग पर प्लॉट ओके ठीक है, डिस्क्रिप्शन
वन बाई फाइव मीटर डिजाइन ओके, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे जाकर क्लिक किया और हमारे पास जो सरफेस है सिलेक्ट सरफेस, हमारे पास एक ही सरफेस, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। लेयर्स हमने छेड़ने नहीं है, हमारे पास जो इसकी एग्जिस्टिंग लेयर है हम इसको रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, स्टेप बाई स्टेप हम सारू इसको चेक करेंगे इसका क्या तरीकाकार है। यहाँ पे क्लिक किया, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है ग्रेडिंग, ग्रेड फॉर डिस्टेंस, ग्रेड फॉर डिस्टेंस क्राइटेरिया, इसमें क्या मेथड है, क्या किस तरह यूज होता है, ये भी हमने सबसे पहले चेक करना है। तो इसके लिए जाके क्लिक किया, यहाँ पे जाके क्लिक करके इसके क्राइटेरिया में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखें ग्रेडिंग क्राइटेरिया ग्रेड टू डिस्टेंस ग्रेडिंग मेथड। सबसे पहले हमारे पास टारगेट है, टारगेट हमारे जो मेथड यूज किया इसमें डिस्टेंस है। हमारे पास फोर मेथड है, सरफेस एलिवेशन रिलेटिव एलिवेशन और डिस्टेंस। सबसे पहले हम उसको सरफेस को सेट करेंगे या डिस्टेंस पे कर लें, मैं कहता हूँ ऊपर से नीचे आए। तो उसके लिए सबसे पहले सरफेस सेलेक्ट करेंगे, सरफेस सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है ना प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मीन इसके जो स्लोप्स वगैरह होंगे इसमें कट और फिल, ठीक है ओके। सर्थ ऑर्डर कट फर्स्ट ओके, इसमें कोई मसला नहीं है। कट स्लोप प्रोजेक्शन फॉर्मेट, स्लोप हमारे पास है, स्लोप और हमारे पास ग्रेड है ओके, हम इसको स्लोप ही रखेंगे। स्लोप्स हमारे पास टू बाई वन है, हम इसको थ्री बाई वन करेंगे, जस्ट हम अभी चेक कर रहे हैं। अब भी आप टू भी रख सकते हैं, वन भी रख सकते हैं, हम इसको टू ही रखेंगे, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये कट की स्लोप है, सपोज करें हम अभी कटिंग हो रही है हमारे पास, तो हम इसको टू रखेंगे, अगर फिलिंग है तो वो भी हमारी टू होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई किया फिर ओके किया, ये हमने सरफेस के मेथड से सेट कर दिया, ओके किया। उसके बाद हम इस पे आ जाएंगे, हमने ग्रेडिंग स्टार्ट करनी है, यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट ग्रेडिंग, ये हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमसे यहाँ पर ऑप्शन में पूछ रहा है सिलेक्ट द फीचर, यानी फीचर लाइन, हम यहाँ पे जाके सिलेक्ट करेंगे विद द फीचर लाइन, हम इसको कंटिन्यू विदाउट फीचर लाइन वेडिंग ओके, यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे सिलेक्ट द ग्रेडिंग साइड, हम इसको कहते हैं आउटसाइड पर होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे आउटसाइड पर, इस साइड पर अप्लाई द इंटायर लेंथ, हम इसको करेंगे येस ओके। कट स्लोप टू बाई वन, इसको इंटर करेंगे। इसके बाद फिल स्लोप टू बाई वन इंटर करेंगे ओके। यहाँ पर इसका ग्रेडिंग स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर देखें देखें नीचे हमारे पास ग्रेडिंग का काम स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ देर में ये ग्रेडिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ग्रेडिंग जो क्राइटेरिया हमने दिया था ये अप्लाई कर दिया है इसने, तो यहाँ पर हमारी ग्रेडिंग कंप्लीट हो गई। इसको चेक करेंगे, यहाँ पर क्लिक किया, सारों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट व्यू इस पर गए, यहाँ जा क्लिक किया और टॉप की जगह हम इसको फ्रंट पे आ जाएंगे, फ्रंट पे जा क्लिक किया। देखें हमारे पास इसको थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये हमारे पास ग्रेडिंग हो गई है। हमारे पास जो नीचे लेवल दिया था उससे लेके जहाँ तक हमारे पास सरफेस थी, सरफेस जहाँ तक हमारी हाइट थी, यहाँ पर देखें जिस तरह की हमारे पास सरफेस थी, सरफेस के साथ आके टच हो गया तो हमारे पास ये ग्रेडिंग हो गई है। तो ये ग्रेडिंग का मेथड है, फर्स्ट मेथड जो हमने सरफेस की मदद से किया है। अब देखें अंदर से ये फिल नहीं है, तो फिल करने का क्या मेथड है, इसको जाके दोबारा यहाँ पे जाएंगे क्रिएट इन फिल, ये हमारे पास ऑप्शन है जो हम इसमें चेक कर रहे थे, इसके अंदर क्रिएट इन फिल, यहाँ पे जाके क्लिक किया और इस पे जाके जस्ट हम सेंटर में क्लिक कर देंगे। और इसके बाद कंप्यूटर के लास्ट पर जो की है स्केप ऊपर राइट लेफ्ट कॉर्नर पे, यहाँ पे जाके इसको स्केप कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास ये हो गया, ये छोटा सा ऑप्शन आ गया इसका मेन, ये हमारे पास इनफिल हो गया। दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट व्यू पे जाके दोबारा हम जाएंगे टॉप की जगह फ्रंट पे और अब देखें जरा, तो ये हमारे पास ग्रेडिंग कंप्लीट हो गई है। आप इस इधर से कुछ भी इसका रियलिस्टिक यूज़ कर सकते हैं, हिडन यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर इसकी शेप यूज़ कर सकते हैं, शेडेड यहाँ पर देखें किस तरह यूज़ हो रहा है। तो इस तरह की हमारे पास ग्रेडिंग हो जाएगी अगर हम सारों को सिलेक्ट करें सर्विस के समेत इस तरह, फिर राइट क्लिक करें ऑब्जेक्ट व्यू में गए। अब आप आ जाएं इसके फ्रंट पे, तो आप देखें किस तरह नज़र आ रहा है। ये हमारे पास एक प्लाट
बड़ा सा एरिया था। यहाँ पर देखो हमारे पास एक्सकवेशन हुई है, तो एक्सकवेशन किस मेथड से होगी, किस तरह होगी, तो यहाँ पर देखें हमने इस तरह एक्सकवेशन की है। तो ये इतनी हमारे पास कटिंग होगी, ये सारी ये बॉक्स नुमा होगी। तो इसके अंदर जो भी सर्कल के अंदर जो हमने एक रेक्टेंगल ड्रा किया, इसके अंदर और यहाँ तक नीचे तक जो भी हमारी कटिंग होगी, ये सारी इसकी कैलकुलेट होगी। तो ये फर्स्ट मेथड होता है एक्सकवेशन करने का सरफेस की मदद से। सेकंड मेथड है हमारे पास, सबसे पहले हम ये सारे ऑप्शन यूज करेंगे, उसके बाद हम इसकी क्वांटिटी फाइंड करने का तरीका बताएंगे। ये हमारा पहला मेथड था, हम दोबारा इसको स्केप करेंगे। अब हम जाएंगे दूसरा मेथड, इसके लिए हमने दोबारा किसी भी एक को सिलेक्ट करने को मसला नहीं है। सपोज करें आप इस पे डिस्टेंस पे आ जाएं, ओके इस पे जाए, यहाँ से आपके पास डिस्टेंस सिलेक्ट होना चाहिए, यहाँ जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वही आपके आएगा। डिस्टेंस पे आ जाए, अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस हमारे पास लिखा हुआ है आपके, हम चाहते हैं कि हमारा आउटसाइड पर तकरीबन 12 मीटर होना चाहिए। आउटसाइड पर वहाँ तक कितनी कटिंग आएगी, यहाँ पर सिलेक्ट किया, उसके बाद इसका प्रोजेक्शन स्लोप्स में 2/1 कर दें, 3/1 कर दें, ओके अप्लाई किया, देन ओके किया। अब इस पे आ जाए हमारे पास ग्रेडिंग, क्रिएट ग्रेडिंग, ओके कहते हैं सिलेक्ट द फीचर, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सेम मेथड इसको कंटिन्यू विदाउट ग्रेडिंग फीचर लाइन वीडिंग, ओके सिलेक्ट किया, सिलेक्ट द ग्रेडिंग साइड, हम इसको आउटसाइड पर करेंगे, कहते हैं अप्लाई द इंटायर लेंथ, हम कहते हैं यस। यहाँ पर देखें डिस्टेंस कितना हम डिस्टेंस देना चाहते हैं, मैं यहाँ पर इसको 12 रखना चाहता हूँ, हम मैनुअली भी पुट कर सकते हैं, 12 मीटर किया, स्लोप हमने जो रखी थी 3/1, तो यहाँ पर देखें इसी मेथड से इसने कर दिया है, हमने 12 रखा था इसी मेथड से इसने कर दिया। हम इसको लगे फिल भी कर लेंगे, इनफिल करने के लिए क्रिएट इनफिल किया, यहाँ क्लिक किया, स्केप किया, तो ये भी हमारे पास आ गई। सब सारे को सिलेक्ट करके हम चेक करते हैं कि हमारी शेप किस तरह बनी है, राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट व्यूअर पे गए, इस पे आ जाएं और हम टॉप लिंक के भी फ्रंट पे आएंगे। तो अब देखें ज़रा, ये हमारे पास ग्रेडिंग हुई है डिस्टेंस की मदद से, क्योंकि हमने इसको डिस्टेंस दिया था। अगर टॉप से आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस होगा ये 12 मीटर होगा, वो 3/1 की स्लोप से है। ये दूसरा मेथड है, अब सारे सिलेक्ट करके देखते हैं किस इस तरह इसकी शेप किस तरह है। फ्रंट से दोबारा गए और यहाँ पर देखें इसके साथ ये आई थिंक टच है, ठीक है ओके। यहाँ पर देखें सेम मेथड किया, लेकिन इसे स्लोप अपनी मर्जी से की है, हमने इसको 2/3 किया है, उसके बाद इसको डिस्टेंस दिया था, पहले हमने जस्ट उसको स्लोप दी थी, उसने खुद बहुत उसके साथ टच हो गया था सरफेस की मदद से। सरफेस का प्लस पॉइंट ये होता है कि हमें जस्ट सरफेस सेलेक्ट करनी होती है, सरफेस के साथ आके नीचे से ये कनेक्ट कर जाता है। अब हमें तीसरा मेथड सीखना है, तो हमारा जो ग्रेडिंग में मेथड यूज होगा वो होगा मेथड नंबर 3, जिसमें हमने ग्रेडिंग ग्रेड टू एलिवेशन, सबसे पहले हमने किया था सरफेस, उसके बाद हमने डिस्टेंस की मदद से किया था, अब हमने करना ग्रेड टू एलिवेशन एंड ग्रेड टू रिलेटिव एलिवेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ग्रेड टू एलिवेशन पे जाएंगे, यहाँ क्लिक किया, इसकी हम क्राइटेरिया में जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टारगेट सर्फेस में एलिवेशन है, ओके यहाँ एलिवेशन की जगह पर हमें एलिवेशन पुट करना पड़ेगा कि हमारी ग्रेडिंग कहाँ तक होनी चाहिए। हमारा जो डेटम लाइन है वो है 61.5, ओके अब हम यहाँ पर दे देंगे 66 या 68 दे देंगे ताकि आपको वाजी हो जाए। यहाँ पर क्लिक किया, ओके इसकी स्लोप हम यहाँ पर 3 दे देंगे, कोई इशू नहीं है, इसको भी हम 3 दे देंगे, ओके अप्लाई किया, देन ओके किया। अब हम ग्रेडिंग पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक किया, क्रिएट ग्रेडिंग, ओके प्लाट, ठीक है ओके हमारे पास प्लाट ही है, इसके बाद ग्रेडिंग ग्रुप, ग्रेडिंग फॉर प्लॉट, ओके अब हम जाना है इस पे ग्रेडिंग, यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिलेक्ट द फीचर, हम इस फीचर लाइन सिलेक्ट करेंगे, कहता है सिलेक्ट द ग्रेडिंग साइड, हम इसको आउटसाइड पे करेंगे, ओके उसके बाद कहता है अप्लाई द इंटायर लेंथ, हम इसको यस करेंगे,
एलिवेशन 68 पॉइंट हमने कहा ठीक है ओके, हमने 3 की स्लोप दी हुई है ठीक है कट में, और फिल में भी हमने 3 की स्लोप दी होगी, इसको क्या करेंगे तो देखिए जितना हमने एलिवेशन दिया है उसके हिसाब से ड्रा कर दिया। इसको सही पहचानने के लिए मैं आपको सबसे पहले इसकी इनफिल कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट इनफिल, यहाँ पे क्लिक किया स्केप किया, अब हम सारे को सिलेक्ट करेंगे इस सारे को। अब आपको वाजे फर्क नजर आएगा एलिवेशन में क्या फर्क है, यहाँ पे टॉप की जगह हम इसको फ्रंट पे जाएंगे और इस पे जाके आप देखें, यहाँ देखें सरफेस की से क्रॉस करके ऊपर आया हुआ है, सरफेस का जो एलिवेशन था वो था 66.25 इसके रिलेटेड था, लेकिन ये इससे भी तकरीबन 1.5 फुट ऊपर है, 1.5 मीटर ऊपर है, तो इसमें एलिवेशन हमने दिया था कि यहाँ तक कटिंग करे, तो इसने नीचे से 61.5 से 68 तक कटिंग की है, कि हमने इसका एलिवेशन खुद दिया हुआ था। तो ये मेथड होता है एलिवेशन देने का, एलिवेशन दे के हम किस तरह करते हैं। उसके बाद हम इसको लगे आते एक को स्टेप बना लेते हैं, स्टेप बनाने के लिए हम इसको ऑफसेट दे देंगे, ऑफसेट एंटर किया हम इसको 3 करेंगे। इसके बाद ये जो हमारे पास इसका फीचर लाइन इसको कॉपी करके इधर इसका एक स्टेप बनाएंगे, अब हमने इसकी भी यहाँ से इनफिल करना है, इसको भी इनफिल किया फिर स्केप किया, देखिए हमारे इनफिल हो गया ओके। अब हम जाएंगे इसको देखेंगे तो शेप में किस नजर आएगा, ऑब्जेक्ट व्यू पे गए उसके बाद फ्रंट पे गए, तो फ्रंट पे जाने के बाद देखें जरा यहाँ पर ये किस तरह नजर आ रहा है, ये हमारे पास इसकी इनफिल हो गई है, यहाँ पर देखें इसका स्टेप बना हुआ है इस तरह। अब हम इसको नीचे सरफेस के साथ टच कर देंगे, अभी सरफेस के साथ टच नहीं है, आप यहाँ से जूम करके देख सकते हैं सरफेस से ऊपर उठा हुआ है, तो आप जाएंगे हम इसको टच करेंगे, इसके लिए ग्रेड टू सरफेस पे जाएंगे और दोबारा हम इसकी ग्रेडिंग करेंगे यहाँ से, और कहते हैं सिलेक्ट द फीचर लाइन ओके, हम इसको आउट साइड पर करेंगे सिलेक्ट द ग्रेडिंग साइड ओके यस, स्लोप हम इसको 2.1 ओके नो प्रॉब्लम, इसको भी 2.1 करेंगे, तो देखिए हमारे पास ग्रेडिंग क्रिएट हो रही है और इजमीन के साथ लग गया है, अब देखेंगे इजमीन के साथ ऑटोमेटिक लग गया है। अब हम इसकी शेप यहाँ से देखेंगे आपको फर्क पता चलेगा, ऑब्जेक्ट प्योर पे फ्रंट पे जाएंगे और यहाँ पर देखें आप जो हमने स्टेप बनाया था वो किस शेप में आ रहा है, नीचे से पहले देखें उसके बाद नीचे ये छोटा सा स्टेप बना हुआ है, ये उसके बाद नीचे इसके जमीन के साथ लग गया सरफेस के साथ स्लोप्स में, उसके बाद स्टेप बना उसके बाद नीचे आ गए। अब हमने जस्ट ये एक स्टेप बना के आपको एलिवेशन की मदद से बताया, अब मैं इसको रिलेटिव इसका क्या मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा, तो इसके लिए हम दोबारा जाएंगे इसको स्केप करेंगे, अब मैं जाऊंगा इसको ग्रेड टू रिलेटिव एलिवेशन, इसके मतलब इसके क्राइटेरिया में जाएंगे, यहाँ पर रिलेटिव एलिवेशन में क्या होता है हमें खुद देना पड़ता है कि कितनी हाइट होनी चाहिए, इधर तो हमने दिया था इसका एलिवेशन दे दिया था कि हमारा एलिवेशन 68 होना चाहिए यहाँ तक हमारी रुकनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें हाइट देनी पड़ेगी, अगर हम यहाँ पर इसको 68 दे देंगे तो 68 मीटर तक ऊंचा कर देगा, इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, इसको 68 कर दूंगा सेम जो हमने पहले किया था, लेकिन पहले हमने किया था यहाँ से एलिवेशन, अब हमने रिलेटिव एलिवेशन किया, हम इसको सेम मैथ वैल्यू 68 दे देंगे, 2.1 ओके नो प्रॉब्लम अप्लाई किया देन ओके किया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट ग्रेडिंग, यहाँ पे क्लिक किया सेलेक्ट द फीचर लाइन ओके साइड ये सेलेक्ट कर दी ओके किया 68 हमने किया रिलेटिव एलिवेशन ओके स्लो ओके। अब यहाँ पर देखिए हमने जो शेप बनाई है इसकी क्या क्या चीज़ बन गई है, इसको यहाँ से इनफिल कर दूंगा ताकि आपको वाजे शो। अब यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट व्यू पे गए, अब देखें किस शेप में बना है ये देखें जरा, ये 68 मीटर ऊंचा कर दिया इसने, 68 मीटर ऊंचा कर दिया इसने, तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि अगर रिलेटिव एलिवेशन में हाइट दी जाए और एलिवेशन में सिंपल हार्ड दीजिए इसमें दोनों में फ़र्क क्या है, हम इसको कम कर देंगे, तो इसके लिए दोबारा हम जाएंगे
हम इसको यहाँ से रिलेटिव एलिवेशन में जिसकी हाइट तकरीबन 3 से 4 मीटर देंगे, ग्रेट एलिवेशन, ग्रेट रिलेटिव एलिवेशन। उसके बाद यहाँ पर जाके हम इसको तकरीबन 5 मीटर दे देंगे हाइट। स्लोप ठीक है, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक कर दें, अप्लाई देन ओके। यहाँ से मैं इसकी ग्रेडिंग क्रिएट करूँगा, यहाँ पर सिलेक्ट किया आउटसाइड पर, यस 5 मीटर हमने दिया था। अब देखें ज़रा स्लोप 3 मीटर ओके। अब देखें सिर्फ 5 मीटर इसने की है क्योंकि ग्रेड टू रिलेटिव एलिवेशन है, और पहले हमने दिया था उसमें 68 मीटर हाइट दी थी, वो एलिवेशन के हिसाब से दी थी, ये हमने किस्म की हाइट दी है। तो इसमें आप देख लें, पर मैं इसको भी यहाँ से शो कर दूंगा, इसको राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट व्यू पे गए, तो आप देखें यहाँ पर किस तरह की शेप नजर आ रही है। या प्रॉपर आप यूज करेंगे आपको पता चलेगा सारों में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है, लेकिन डिफरेंस है। अब हम चलते हैं इसकी क्वांटिटी वगैरह निकाल लेते हैं। क्वांटिटी निकालने से पहले इसको एक और आपको चीज फाइनल कर दूं कि जो वर्टिकली निकालते हैं वो किस तरह निकालते हैं। जो वर्टिकल हम कटिंग करते हैं, सपोज करें हम इसकी सेप्टिक टैंक की कर रहे हैं या अंडरग्राउंड वाटर टैंक की, तो इसका एक सिंपल मेथड होता है कि आप जस्ट फीचर लाइन को एलिवेशन दें और आप इसको इनफिल कर दें। आप इस तरह भी इसकी कटिंग निकाल सकते हैं, ये सिंपल मेथड है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखा दूं जरा सेक्शन में, अब यह प्रोफाइल में क्विक प्रोफाइल है। क्विक प्रोफाइल कौन सा मेथड है? जब हमने प्रोफाइल बनाई थी तो मैंने कहा था क्विक प्रोफाइल का मेथड यूज होगा हमारा सेक्शन में ग्रेडिंग का, जब हम करेंगे तो इसी में हम यूज करेंगे क्विक प्रोफाइल। यहाँ पे क्लिक किया, कहते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ग्रेड फॉर प्लॉट, इसको एग्जिस्टिंग एरिया में इसको डिजाइन कर दूंगा, बाकी एग्जिस्टिंग ओके ओके किया, मैं इसको इस साइड पर रख दूंगा। देखिए हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा सेक्शन बना हुआ है, इसी क्वांटिटी वर्टिकली निकलाएगी। ये असल में हमारा वर्टिकल है, लेकिन यहाँ पर लाइनें शो नहीं हो रही क्योंकि इसका एक सिंपल मेथड है कि ये नहीं करता इस तरह लाइनें शो, वरना ये वर्टिकली है। तो मैंने इसका एक और मेथड ढूंढा हुआ है, आप देख लें, इसके लिए मैंने स्मार्ट आइडिया ढूंढा हुआ है। तो इसका बेहतरीन मेथड है कि आप इसको यहाँ से एलिवेशन पे चले जाएं, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे जाके आप इसको 68 है ओके, आप इसका स्लोप जो है ना कट में 0+0001 कर दें, इसके बाद नीचे भी आ जाए, देखिए 0 में कंसीडर हो रहा है, बिल्कुल 0 देंगे तो फिर वो काम नहीं कर, देखिए वैलिडेशन एरर 0, स्लोप आर नॉट अलाउड, ये कहते हैं बिल्कुल 0 अलाउ नहीं है। हम इसको एक और स्मार्ट आइडिया यूज करेंगे, मैं इसको 0.0001 करूंगा, जितनी ज्यादा 0 लगाएंगे इतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, बिल्कुल वर्टिकली आपकी सेक्शन भी बन जाएगा। ओके ओके अप्लाई किया, देन ओके किया। अब हम जब इसकी ग्रेडिंग करेंगे तो आपको फर्क पता चलेगा, यहाँ पर क्लिक किया क्रिएट ग्रेडिंग ओके। बेहतर आप इनफिल करने से पहले आप ग्रेडिंग कर लो, इसकी बेहतर है ये इसकी इनफिल वो गायब कर दें। अब आप इसमें मेथड यूज करें 0 वाला, ठीक है ओके, इस पर जाए दोबारा इसकी ग्रेडिंग करें, फीचर लाइन सेलेक्ट करें आउटसाइड पर ओके, 68 स्लोप 0.001 0.0001, तो हमारी थोड़ी सी इसकी स्लोप बन गई है। ये इतनी स्लोप है कि नल एंड वाइड है, आपके एलिवेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, देखिए मामूली सी स्लोप है जो पॉइंट में आती है 0.0001 पॉइंट में आती है। इसके जब सेक्शन बनाएंगे तो बिल्कुल वर्टिकल बनेगा। ये कौन सी चीजें जो बंदे ग्रेडिंग में काम कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि मैं क्या चीज डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं वो भी इंशाल्लाह वक्त के साथ जान लेंगे कि मैं चीज़ें डिस्कस करूँ, ये एडवांस लेवल की चीज़ें, और ये वर्टिकल बनाने का स्मार्ट आइडिया है कि आप इसको 0 वैल्यू दे के पॉइंट के बाद 1 दे दें, तो आप इस तरह आप इसकी वर्टिकल स्लोप भी हासिल कर सकते हैं। अब ग्रेडिंग में आ जाएँ, प्रोफाइल में, क्विक प्रोफाइल में दोबारा आ जाएँ, इसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आर बाई पॉइंट, यहाँ पर सिलेक्ट किया,
ग्रेडिंग पर प्लाट में जाके आप इसकी वैल्यू ऐसे डिजाइन कर दें और नीचे हमारे पास एग्जिस्टिंग है। ओके ओके किया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई आ गई होगी। यहाँ पर देखिए ये नजर आ रहा है असल में, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वर्टिकल लाइनें तो आ गई हैं, ये हमारे पास ब्लू लाइनें आ गई हैं, लेकिन हमारे पास ये लाइन नहीं आई। इसकी क्या वजह है कि हमने इसमें इनफिल नहीं ऐड किया हुआ। इनफिल करने के लिए आप यहाँ पर जाके क्रिएट इनफिल करें, यहाँ पर क्लिक करें, इस पर सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ग्रीन कलर का ऑप्शन आ गया। हम इसको एस्केप करेंगे तो हमारी इनफिल भी रेडी हो गई है। अब आप सेक्शन में आ जाएं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बिल्कुल वर्टिकली हमारे पास बन गई है। इसको जरा हाईलाइट करने के लिए आप इस पर आ जाएं, यहाँ पर राइट क्लिक करें, एडिट प्रोफाइल स्टाइल में जाएं। इसके बाद हमारे पास जो लाइन है आप इसका यहाँ से वेट इंक्रीज कर दें, इसको 35 कर देता हूँ। स्केल ठीक है, ओके। इसको भी आप यहाँ से 35 कर दें, कलर यही रहने दें। इसके बाद अप्लाई करें, ओके करें। यहाँ से आप इसका लाइन वेट ऑन कर दें, तो यहाँ पर देखें हमारी लाइन वेट ऑन हो गई है और सेक्शन हमारा बिल्कुल सही नजर आ रहा है। और इसको साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप इसका सिंपल मेथड है, आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं यहाँ तक, सेक्शन ऑटोमेटिक बड़ा होता जाएगा। यहाँ से आप इसको दोबारा जाके ग्रेडिंग में और यहाँ से आप इसको सरफेस सिलेक्ट कर लें। ग्रेडिंग में जाने के बाद सिलेक्ट करें, ओके, स्लोप्स में और आउटसाइड पर 2x1, ओके 2x1, तो ये इसके साथ कनेक्ट कर देगा। यहाँ पर देखें जरा, तो जब आप सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखें इसके साथ कनेक्ट हो गई 1x1 के स्लोप से। तो इस तरह हम इसके सेक्शन बनाते हैं बिल्कुल वर्टिकली। किसी भी वर्टिकल प्लाट के आप सेक्शन बनाना चाहें तो इस तरह बना सकते हैं। अब मैं लगे हाथ इसका थोड़ी सी सेटिंग करेंगे ग्रिड की, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा क्रीप करेंगे यहाँ तक और इसको यहाँ तक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ग्रिड की सेटिंग के लिए जाएंगे एडिट प्रोफाइल व्यू में और ग्रिड में जाके हम इसको ज़ीरो कर देंगे और इधर भी ज़ीरो कर देंगे। अप्लाई किया तो यहाँ पर देखिए किस तरह हो गया। हम इसको 0.25 कर दूंगा, इधर भी 0.25, इधर 0.25 और इस साइड पर भी 0.25। अप्लाई किया तो यहाँ पर देखिए हमारी शेप कुछ बेहतर नजर आ रही है। नीचे से इसको 0 करूँगा और ऊपर इसको 0.5 कर दूंगा। अब हमारे पास शेप कुछ बेहतर नजर आ रही है। अब हम इसके एलिवेशन दे देंगे। एलिवेशन का क्या देने का मेथड क्या है? एलिवेशन देने से पहले मैं इसकी क्वांटिटी भी फाइंड कर देता हूँ। इसके लिए यहाँ पे क्लिक किया, ग्रेडिंग वॉल्यूम टूल, ये हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमें ये वॉल्यूम इसका नज़र आ गया। इस पर जाके हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास ग्रेडिंग वॉल्यूम आ गया, ग्रेडिंग 3, ग्रेडिंग ग्रुप सरफेस, ग्रेडिंग फॉर प्लाट। इस पे जाके क्लिक किया, राइट क्लिक किया, कॉपी ऑल किया, ओके किया, जिधर आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए हमारा ये वॉल्यूम आ गया। इसकी एक्स्ट्रा चीज़ें इसको ऑफ कर देंगे, यहाँ से इसको भी इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। जस्ट हमारे पास ये 3 है, इसको मैं कलर कर दूंगा, थोड़ा सा क्लोज कर दें वॉल्यूम। तो इसको भी थोड़ा सा क्लोज कर, इसका डिफरेंट कलर आप दे दें यहाँ से, यहाँ से इसको कट कलर जो नॉर्मली होता है
वो हमारे पास रेड में होता है, और जो फिल कलर होता है ये हमारे पास ग्रीन में होता है, और जो हमारे पास नेट वॉल्यूम होता है ये हम इसको ब्लू दे देंगे डिफरेंट कलर। बाकी आप इसको मजीद रेक्टेंगुलर बना के थोड़ा खूबसूरत शेप में कर सकते हैं, मैं आपको कर देता हूँ। इस तरह आप किसी भी पार्ट्स का इस तरह वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से इसको लाइन लगा के डिवाइड कर दें थ्री पोर्शन में, उसके बाद इसकी यहाँ से लाइनें लगा रहे हैं। यहाँ पर आप इसको इसका छोटा स्टेबल बना दें, आपकी लुकिंग भी थोड़ा सा बेहतर नजर आए, क्वांटिटी प्रेजेंटेशन के लिए इस तरह का टेबल ठीक रहता है। तो ये हमारा इस फोन का जो वॉल्यूम वगैरह था वो हमने निकाल लिया है। अब हम इस पे जो लेबल लगाने हैं वो किस तरह लगाते हैं वो भी हम सीख लेते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे इस पे जाकर क्लिक करेंगे, इसके बाद इधर आ जाए ऐड व्यू टेबल पे लेबल पे, ओके स्टेशन एलिवेशन यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे कहता है सिलेक्ट अ प्रोफाइल व्यू, हम इसको सिलेक्ट करेंगे प्रोफाइल व्यू को। अब देखें जरा हमें कहते हैं यहाँ पर हमें लेबल चाहिए, यहाँ पे डबल क्लिक किया हमारे पास लेबल आ गया। इस पॉइंट पे हमें क्लिक करना है डबल क्लिक, इसका लेबल भी हमारे पास आ गया। इस पे क्लिक करना है डबल क्लिक किया, इसके बाद हमें इस पॉइंट पे लेबल चाहिए, एक क्लिक करते हैं तो हम ये नीचे से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं साइड से, दूसरे क्लिक पर हमें ये वैल्यू दे देता है। जिस जगह पर आपको चाहिए आप इस पे जस्ट डबल क्लिक करें, आपको लेबल मिल जाएगा। इसका यहाँ से आप साइज थोड़ा छोटा कर लें, इसके बाद ये हमारे पास आ गया। आप इसको यहाँ से ओपन करें तो इसका बॉक्स खत्म हो जाएगा और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए जरा, ओके, इसके बाद यहाँ पर भी आ जाए। अब मैं एक और आपको चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि वर्टिकल में फर्क क्या आता है। जब मैं 0.00 करता हूँ तो स्टेशन देखें 0+0 13.5, 13.5 है, यानी वर्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट है। 0 पॉइंट के बाद लगा दें 3-4 जीरो, उसके बाद 1 कर दें तो आपके स्टेशन में कोई फर्क नहीं आएगा और आप वर्टिकली अपने सेक्शन बिल्कुल ड्रा कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक ट्रिक है, स्मार्ट आइडिया है, मैंने आपके दोस्तों के साथ शेयर किया ताकि आपको पता चले कि अगर आपको इस तरह बनाना हो तो आप किस तरह बना सकते हैं। अगर आप इसकी वैल्यू वगैरह चेंज करना चाहें, यहाँ पर भी आपको स्टेशन चाहिए तो आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपको स्टेशन नहीं चाहिए जस्ट वैल्यू चाहिए, जस्ट इसके एलिवेशन चाहिए, तो इसके लिए आप क्लिक किया, राइट क्लिक किया, एडिट लेबल स्टाइल में गए और इस पे जाके आप इसकी इनर प्रॉपर्टी में चले जाए कंटेंट में। यहाँ पर देखें कंटेंट में जाके अब इसके जो स्टेशन है इसको यहाँ से आप डिलीट कर दें, उसके एलिवेशन को आप यहाँ से कुछ डिफरेंट कलर दे दें, मैं इसको येलो कर दे देता हूँ, ओके। इसके बाद ड्रैग पे आ जाए, जो हमारे पास एरो हैं एरो कलर भी कहता हूँ मैं इसको येलो कर दूँ, और इधर भी इसको मैं येलो कर देता हूँ, ओके। अप्लाई किया देन ओके किया, ओके। यहाँ पर देखिए हमारे पास इसके लेबल कुछ वाजी हो गए। तो इसके जो बेसिक टूल जितने थे मैंने सारे कवर कर दिए हैं, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी इसमें स्टेप्स में कुछ कटिंग है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको लगे आता बता ही देता हूँ। इसके लिए हम दोबारा इसको स्केप करेंगे, तो सेव करने के बाद उसको स्किप कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्रेडिंग बनेंगे, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, अब जस्ट ग्रेडिंग पे जाके आप इसको यहाँ पर क्लिक करते जाएं, आपकी ग्रेडिंग डिलीट होती जाएगी, ओके। स्टेप में कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसके कुछ स्टेप बनाएंगे। स्टेप बनाने के लिए सबसे पहले जाएंगे एलिवेशन पे, ओके। उसके बाद आप इसके क्राइटेरिया में चले जाएं, 68 की जगह हमारे पास जो सबसे डाउन वैल्यू थी वो थी 61.61.5। अब हमने इसको तकरीबन 1.5 मीटर का स्टेप लेना है, +1.5
63 पर। तो इसके लिए हम स्टेप नंबर वन पे जाके 63 लिखेंगे। यहाँ पर इसका स्टेप हम करेंगे 0.001, फिर नीचे आ जाएं 0.001, ओके अप्लाई किया, देन ओके किया, और इस पे आ जाएं क्रिएट ग्रेडिंग पे। तो यहाँ पे जाके क्लिक करें और आउटसाइड पर सिलेक्ट द ग्रेडिंग साइड, में इसका आउटसाइड कर दूंगा, यस 63 ओके, स्लोप 0.001 फिर 0.001। तो यहाँ पर देखें इसकी हल्की सी ग्रेडिंग क्रिएट हो गई है। अब मैं इसका एक स्टेप बनाऊंगा, इसी ग्रेडिंग से ऑफसेट लूंगा, ऑफसेट ओ एंटर किया, मैं इसको तकरीबन 3 मीटर ऑफसेट कर दूंगा, ओके। यहाँ से मैं इसको एक ऑफसेट बाहर की तरफ, ओके। अब मैं यहाँ पर इसको इनफिल करूंगा, इसके इनर साइड पर भी आउटर साइड पर भी, इनर साइड पर किया उसके बाद आउटर साइड पर भी। ये जो हमारे पास स्टेप बना हुआ है, ये जो स्टेप हमेशा वहां पर बनता है जहां पर हमारा हॉरिजॉन्टल हो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली हो, लेवल हमारा इक्वल हो। अब मैं इसकी दोबारा ग्रेडिंग करूंगा, तो इसके लिए मैं एक और चीज़ आपको बता दूं ताकि आपके सामने ये व्यू रहे कि मैं इधर क्या करूं और यहां पर क्या शेप बन रही है। यहां पर जाके मैं इसको एक लाइन ले लूंगा, इसके बाद प्रोफाइल में आके क्विक प्रोफाइल यूज करूंगा और ऑब्जेक्ट करके यहाँ से मैं ग्रेडिंग पर प्लॉट की जगह पर डिज़ाइन कर दूंगा, ओके ओके। और यहाँ पर मैं इसका सेक्शन बना दूंगा। अब जो मैं चेंजिंग करूंगा यहाँ पर सेक्शन पर आपको नजर आती रहेगी। यहाँ पर देखिए मैंने एक स्टेप बनाया हुआ है, अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा। तो इसके लिए मैं दोबारा इस पर जाऊँगा और ग्रेडिंग करूँगा इसकी, लेकिन एलिवेशन यहाँ पर मैं पहले चेंज करूँगा 63, अब मैं इसको 65 करूँगा। स्लोप में इसकी मैं 0.5 करूंगा, हल्की सी स्लोप दूंगा 0.5, ओके अप्लाई किया, देन ओके किया। अब यहां से मैं इसकी ग्रेडिंग स्टार्ट करूंगा, क्रिएट ग्रेडिंग इस पॉइंट से, इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा आउटसाइड पर, यस 65 ओके, 0.5 ठीक है ओके, फिर दोबारा स्लोप 0.5। तो देखिए हमारे पास हल्की सी ग्रेडिंग बन गई है। अब इस जगह पे आ जाएं तो देखिए जरा हल्की सी स्लोप इसमें आ गई है। मैं इसका दोबारा एक स्टेप इधर लूंगा, तो ये स्टेप मैं तकरीबन लेना चाहता हूँ तकरीबन 3 मीटर। तो देखिए स्टेप यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, तो स्टेप नजर आने के लिए हम इसको इनफिल करेंगे इस पोर्शन पे। तो इसके लिए मैं इनफिल पे जाके क्रिएट इनफिल यहाँ पे क्लिक करके एस्केप करूंगा, तो देखिए हमारे पास ये हमारे पास आ गया। तो सेक्शन में देखिए ज़रा, सेक्शन में हमारे पास स्टेप बन गया। तो जब तक ये यहाँ तक पहुँचता है हम इसके स्टेप बनाते रहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारा स्विमिंग पूल होता है इसमें स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स के थ्रू हम नीचे आते हैं, स्टेप के थ्रू हम ऊपर जाते हैं। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि स्टेप्स में आप किस तरह कटिंग कर सकते हैं। अब इसकी मजीद हम ग्रेडिंग करेंगे, तो इसके लिए हम जाएंगे दोबारा एलिवेशन पे और हमारा जो फाइनल एलिवेशन होगा 67 होगा, 67 ओके, 0.5 की जगह मैं इसको 0.25 कर दूंगा, 0.25 यानी मैं कहता हूँ वर्टिकल ज़्यादा हो। अप्लाई किया, दिन ओके किया, उसके बाद मैं इसकी दोबारा ग्रेडिंग करूँगा यहाँ से, यहाँ पर सेलेक्ट किया आउटसाइड पर, यस 67 यस ओके, स्लोप्स की 25 ठीक है ओके, फिर फिल में भी 25 यस। यहाँ पर देखिए इसकी मजीद ग्रेडिंग बन गई है, इसका स्टेप बन गया होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऊपर तक आ गया। अब मैं यहाँ से एक स्टेप इधर लेके इसको क्लोज करूँगा, इसके लिए मैं एक स्टेप मजीद बनाऊँगा। यहाँ पर सेलेक्ट किया ऑफसेट, मैं इसको तकरीबन 5 मीटर दे दूँगा, ओके मैं इसको यहाँ से यहाँ तक करूँगा 5 मीटर, यहाँ से इसको थोड़ा सा ओपन करूँगा। अब मैं इसको इनफिल करूँगा, तो इनफिल करने के लिए यहाँ पर क्लिक किया क्रिएट इनफिल, यहाँ पर सेलेक्ट किया ओके। तो देखिए हमारा इनफिल भी यहाँ पर रेडी हो गया और यहाँ पर हमारे पास
एक स्टेप आ गया इस साइड पर भी देखने जरा। अब मैं इसको यहाँ से स्लोप्स में ले आऊँगा। इसके लिए आप मैं यहाँ से जो सिलेक्ट करूँगा क्राइटेरिया एलिवेशन की बजाय सरफेस करूँगा। मैं कहता हूँ सरफेस पे जाके सिलेक्ट हो जाए, यहाँ पे जाके इसको अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर सरफेस सिलेक्ट किया, जस्ट यहाँ पर 2x1 करते हैं, आप 1x1 भी कर सकते हैं, मैं इसको 3x1 कर देता हूँ। ओके अप्लाई किया देन ओके किया। अब मैं इसकी यहाँ से ग्रेडिंग करूँगा, क्रिएट ग्रेडिंग यहाँ पे जाकर क्लिक किया और कंटिन्यू ग्रेडिंग विदाउट फीचर लाइन वीडिंग यहाँ पर क्लिक किया आउटसाइड पर, यस स्लोप्स में 3x1 फिर 3x1 फिल में भी। तो यहाँ पर देखें हमारी ग्रेडिंग हो रही है, तो देखें स्टेप बन गया इधर, यहाँ पर देखें जरा। अब हम अपनी शेप में देखते हैं कि इसकी शेप किस तरह बनी है। तो शेप में देखें जरा हमारे पास जो ग्रेडिंग बनी है, हमारी स्टेप बाय स्टेप सारी कटिंग हो गई है। अगर मैं इसका स्केल कम करूं तो आपको फर्क पता चलेगा। यहाँ पे सेलेक्ट किया, एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल में गए और यहाँ से ग्राफ सेलेक्ट कर दें, ग्राफ में जाएं और इसको 10 कर दें, अप्लाई किया ओके किया। तो आपको यहाँ पर वाजे फर्क नजर आएगा कि मैंने किस तरह की कटिंग की है। यहाँ पर देखें स्टेप में ये सारी कटिंग हो गई है। स्विमिंग पूल की कटिंग वगैरह इसी तरह होती है अगर इसके थ्रू आप करना चाहें तो। तो इसी क्वांटिटीज निकालने का सेम मेथड है, आप यहाँ पे जाए सारा करने के बाद यहाँ पे जाके आप इसको ग्रेडिंग वॉल्यूम टूल पे चले जाएं। इससे पहले आप इधर आ जाएं, दोबारा इसको सिलेक्ट कर दें प्लाट में, ओके ग्रेडिंग पर प्लाट ओके ओके दोबारा कन्फर्म कर लें। इसके बाद सरफेस कंट्रोल ठीक है ओके ओके किया। आप इस जगह पर आ जाएँ, इस पे आने के बाद ग्रेडिंग वॉल्यूम टूल सिलेक्ट किया तो यहाँ पर इसका आपका वॉल्यूम आ गया। यहाँ पर देखिए जरा ये कटिंग फिलिंग जो भी है, इस पे जाके आप क्लिक करें ग्रेडिंग ग्रुप प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्लिक किया और हमारे पास इसका एक डैशबोर्ड आ गया सारा, जिसमें हमारी क्वांटिटी लिखी हुई है। यहाँ पर जाके आप सिलेक्ट करें ग्रेडिंग पर प्लाट, यहाँ पर देखें, यहाँ पर राइट क्लिक किया और कॉपी ऑल करें, इसको ओके कर दें। अब आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें और यहाँ से आप इसको डिलीट कर दें। इसकी एक्स्ट्रा चीज़ें आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें और उसके बाद आप यहाँ से इसको डिफरेंट कलर दे दें, कट का कलर आप कर दें यहाँ से रेड, उसके बाद फिल का कलर आप दे दें यहाँ से ग्रीन, उसके बाद फाइनल हमारे पास जो ब्लू कलर है आप इसको नेट कलर दे दें, ये कलर आप दे दें। तो ये हमारे पास का टेबल भी रेडी हो गया। मैं यहाँ से इसको मैच कर दूंगा ताकि हमारा काम जल्दी भी हो जाए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये टेबल रेडी हो गया। इस तरह आप जितने भी आप सेक्शन बनाना चाहें आप बना सकते हैं, जस्ट आप पर लाइन लगाते हैं और आपको सेक्शन बनते नज़र आ जाएंगे। आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखें जरा ये हमारा एक सेक्शन बन गया। अगर आप इसके मजीद सेक्शन बनाना चाहें तो इसके लिए जस्ट आप यहाँ पर लाइनें लगाते जाएं। मैं इसको 50-50 मीटर पर लगाता जाऊँगा, यहाँ से 50 मीटर 50, देन इसको 50 किया 50 किया ओके। इसकी आप निकालना चाहें तो यहाँ पे जाके क्लिक करें, प्रोफाइल पे जाके क्विक प्रोफाइल पे जाएं और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके इस पर डिज़ाइन लेवल अप्लाई करते हैं ओके ओके। तो आपका यहाँ पर सेक्शन जो क्रॉस में है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देखें क्रॉस में आपका सेक्शन रेडी हो गया। यहाँ पर देखें हमने सिर्फ उसको सर्विस दिया था, यहाँ पर सर्विस नीचे आ रही है तो इसने सर्विस के साथ जोड़ दिया, अगर यहाँ पर सर्विस ऊपर आ रही है तो इसने सर्विस के साथ जोड़ दिया स्टेप ना आके। इस पर क्वान्टिटी 1x1 यहाँ पर निकाल दें तो नाफा ये सारों की क्वान्टिटी यहाँ पर निकाल देगा। अब यहाँ पर जैसे आप इसके सेक्शन में आके इसके लेवल देते हैं, लेवल देने का तरीका क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप इस पर जाके क्लिक करें और यहाँ पे जाके आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और व्यू स्टाइल में जाके यहाँ पे आप इसको डबल क्लिक करें, यहाँ पर आपको लेवल आते जाएंगे। डबल क्लिक करें जो जो स्टेप आपने दिए हैं इसको सिलेक्ट करते जाएँ और लेवल देते जाएँ और यहाँ पर टॉप पर आप उसका जो बर्म है
इसको सिलेक्ट करें तो देखें आप इसके लेवल सारे आते जाएंगे। तो इस तरह मैंने कोशिश की है कि इस लेक्चर में आपको सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। इसमें मैंने आपको डिफरेंट मेथड से जो इसके सारे टूल से मैंने वन बाय वन बताए हैं, इसके सारे मेथड क्राइटेरिया, डिस्टेंस की मदद से किस तरह होता है, सरफेस की मदद से, एलिवेशन, रिलेटिव एलिवेशन में क्या फ़र्क है, उसके बाद जो ग्रेडिंग के डिफरेंट मेथड हैं, स्टेप्स में कटिंग, स्लोप्स में कटिंग, वर्टिकल कटिंग, उसके बाद इसके जो टेबल वगैरह बनाने हैं वो किस तरह बनाते हैं, स्टेप्स में कटिंग करने का तरीका, उसके बाद इसके लेवल किस तरह लगाते हैं, अगर आप इसके साथ स्टेशन लगाना चाहें तो स्टेशन के मैंने आपको पहले मेथड बता दिया था। अगर एडिटिंग करके स्टेशन को रिमूव करना हो और जस्ट लेवल रखने हो तो इसका क्या मेथड है, ये भी मैंने आपको इसमें कवर कर दिया। तो ये लेक्चर था इम्पोर्टेंट था, अगर आपने इस लेक्चर पर ग्रिप हासिल कर ली तो आगे आपके लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं, ग्रेडिंग के हवाले से किसी किस्म की भी आपके पास ग्रेडिंग हो जाए, चाहे वो स्टेप्स में कटिंग हो जाए, उसके बाद स्ट्रेट कटिंग हो जाए, वर्टिकल कटिंग हो जाए, किसी प्लाट की कटिंग हो जाए, तो इंशाल्लाह ये सारी कटिंग आपके लिए ईजी हो जाएगी। आप जस्ट इस लेक्चर पर सही ग्रिप रखें। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंची रहे। अपने दो में मुझे याद रखें, इंशाल्लाह जल्द आपको नए लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।